हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा जो कंप्यूटर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है 2 4 दिन से। तो मैंने क्या उसके लिए एक SSD मंगवाई है। अभी तो SSD को आने में अभी 3 दिन और लगेंगे। इस वजह से क्या है, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा था। वीडियो एडिट मैं PC पे करता था, और हार्ड डिस्क की वजह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ड डिस्क की वजह से हैंग हो रहा था। इस वजह से तो मैंने क्या है SSD मंगवा ली है। साथ ही मैं क्या है अभी एक लैपटॉप और लेने की सोच रहा हूँ। तो लैपटॉप के लिए मैंने सोचा आप सबसे जो है लाइव जाते हैं, और आप सबसे भी पूछते हैं कि कौन कौन सा है, कौन सा लैपटॉप हमें लेना चाहिए। तो मैंने क्या 2 4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एक ऐसा लैपटॉप लेना है जिसमें SSD भी हो और 1 TB हार्ड डिस्क हो। तो मुझे एक डेल का वोस्ट्रो करके कुछ दिखा, वो ठीक लगा, तो मैं वो लेने की सोच रहा हूँ। एक SP का भी आता है, लेकिन अभी वो मॉडल मुझे दिखाई नहीं दिया ऑनलाइन। तो आप में से किसी को पता है या आपके पास पहले से कोई मॉडल है, एक तो मुझे ये बताइए कि डेल का कैसा रहेगा लैपटॉप, HP से ठीक है या नहीं। ओके, कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बताया। इस वजह से वेगो म्यूजिक, हाँ भाई याद हो मुझे, कमेंट्स तो पढ़ो भाई। आप ही का कमेंट्स आया है और मैंने रीड कर दिया। एक्चुअली में क्या स्टार्टिंग में बताना जरूरी है कि हम किस वजह से आए हैं। वेव म्यूजिक, एक बार ये बताइए कि आपको वीडियो और ऑडियो जो है वो साफ आ रही है, नहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक यार फोन जो है, हमारे फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि जब फोन से हम कोई स्टोरी वगैरह डाल रहे थे तो काफी कमेंट्स ही आते थे कि आपकी स्टोरी जो है उसमें आवाज जो है वो नहीं आती। तो इसलिए मैं क्या जो फोन है वो भी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन फोन हम ज्यादा कॉस्टली नहीं लेंगे क्योंकि इतना बजट नहीं है। एक्चुअली मेरा बजट जो है वो सिर्फ लैपटॉप का था। तो मैं क्या अभी लैपटॉप के साथ सोच रहा हूँ कि इस फोन को चेंज कर लेते हैं। तो इस फोन के बदले में मैं दो फोन मुझे लगे हैं, एक तो रियलमी का कुछ 50 करके है वो, या सैमसंग का जो M32 करके है एक। इन दोनों में से मैं सोच रहा हूँ कोई एक ले लेते हैं, इससे तो ठीक रहेगा जो हमारा ये है। तो आप बाकी, आप में किसी को पता है मोबाइल के कौन सा भी ठीक चल रहा है तो वो बताइएगा। जब आपने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला तब से इंतजार कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वीवो म्यूजिक भाई। ऐसे ही तो हमें जो है साथी चाहिए जो हमारे कम्युनिटी ऐप पे कहीं भी पोस्ट डाले तो तुरंत उसको रीड करे। ओके, वे ओप्पो F5 ले लो। यार ओप्पो का मैं ले तो लूँ, लेकिन ओप्पो के फोन में मैंने 2 3 जगह देखा है कुछ शिकायत आई है कि फोन जो है फट जाता है। एक टेक्निकल दोस्त करके एक यूट्यूबर है, आप जानते होंगे, उन्होंने एक दो वीडियो बनाए उन पर। तो एक बंदा जो है उनके पास ओप्पो का फोन था, और वो जब बाइक से जा रहे थे तो उनके यहाँ पे पॉकेट में डला हुआ था तो फोन फट गया था। तो ओप्पो के एक दो केस मैंने ऐसे सुने हैं, और दूसरा ओप्पो का कुछ कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। मेरे यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने पूछा, एक्चुअली में क्या मेरे यहाँ पे जो चाचा जी है उनकी शॉप है मोबाइल की, तो वो भी बता रहे थे कि ओप्पो का वैसे कैमरा तो अच्छा है लेकिन बाकी सर्विस उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं तो रियलमी, और मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं सैमसंग का ले लेते हैं, क्योंकि सैमसंग के जो कैमरे हैं जैसे अगर उसमें कम मेगापिक्सल है तो भी जो दूसरे जो फोन है उनसे उसका जो कैमरा है वो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जो ब्रांड है उसके एक अलग ही पहचान रहती है। तो मैं तो सैमसंग का ज्यादा सोचा था कि सैमसंग M32 ले लेते हैं। बाकी आप बताइए कैसा रहेगा। मुझे यार गेम वगैरह तो उसमें खेलना नहीं है, मुझे तो सिर्फ स्टोरी डालनी है और जो रील्स है वो बनानी है फोन के अंदर। बाकी मैं फोन को ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास वीडियो के लिए तो गोप्रो रहा और DSLR भी है, तो उससे भी हम वीडियो शूट कर सकते हैं। मेन मेरी प्रॉब्लम आती थी जब मैं जो गोप्रो की एडिटिंग करता था, गोप्रो के जो वीडियो शूट करता था उसको एडिट करने में, क्योंकि मेरा PC जो है पुराना था, ड्यूल कोर था, तो उसमें अच्छे से नहीं चल पा रहा था। और PC के अंदर ही प्रॉब्लम किस वजह से आती है, हार्ड डिस्क की वजह से, जो हार्ड डिस्क है उसकी वजह से। अभी मैं उसमें भी SSD लगवा लूंगा तो वो भी काफी तेज चलेगा, और SSD लगवाने से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक्स्ट्रा में जो है हमारे पास कंप्यूटर रह जाएगा, और लैपटॉप पे एडिटिंग करने में काफी मजा आएगा। और एडिटिंग जो है मुझे एडिटिंग काफी अच्छे से आती है, लेकिन PC की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। तो अभी जब हम लैपटॉप लेंगे तो व्लॉगिंग जब हम करेंगे तो व्लॉग के अंदर जो है काफी अच्छे अच्छे जो आपको जो वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग का काम है वो भी हम करेंगे, और अच्छे अच्छे जो सिनेमेटिक शॉट है वो लेंगे, तो उससे काफी अच्छा व्लॉग हमारा तैयार होगा।
यस दो के ब्लॉग्स, हेलो कैसे आप। हेलो यस दो के, ओके वेवो म्यूजिक टेक्निकल दोस्त। हाँ टेक्निकल दोस्त, हमारे भी एक वीडियो में मुझे, जब मैं यूट्यूब के एक क्रिएटर कैंप में गए था तब मिले थे वहां पे, तो मेरे एक ब्लॉग में उनको आपने देखा भी होगा। ओके सैमसंग का ले लो आईफोन। अरे यार आईफोन का क्या करेंगे इतने महंगे का, अभी तो लैपटॉप की जरूरत है। आईफोन बाद में लेंगे यार, अभी इतना बजट है नहीं आपको। एक्चुअली में क्या है, मेरे जो अर्निंग है वो एक जगह ऐसे चली जाती है जहाँ पे सारे पैसे वहीं पे जा रहे हैं, वो चीज मैं आपको बाद बताऊँ कहाँ पे जाती है। तो इस वजह से क्या है, मेरे पास इतना बजट नहीं है। बजट जितना है मैंने काफी टाइम लगा के जो एक लैपटॉप का जुगाड़ तो कर लिया है, कि लैपटॉप तो एक लेना ही पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप के बिना जो एडिटिंग नहीं हो पाती। अभी मैं 4-5 दिन से काफी वीडियो मैंने शूट कर रखा है लेकिन उसको एडिटिंग करने की प्रॉब्लम है। अभी क्या है, उसको एडिट इस पीसी पे करता हूँ, तो एक पीसी पर जो लास्ट आपने वीडियो देखा था ममल बोनसाई पे, आई थिंक 4 से 6 मिनट का वीडियो है वो, लेकिन उस वीडियो को एडिट करने में मुझे एक दिन पूरा लग गया था, बल्कि एक दिन तो एडिट करने में लग गया और नेक्स्ट डे मैं 1 बजे उस वीडियो को पोस्ट कर पाया, तो काफी परेशानी हुई थी। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक लैपटॉप लें और एडिटिंग जो है जल्दी भी होगी, उससे मेरा टाइम भी बचेगा, मैं बाकी काम में टाइम दे पाऊंगा। तो इसलिए लैपटॉप तो यार बहुत जरूरी है। फोन तो क्या है, फोन तो मैं इसको इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि इसको काफी टाइम हो गया, ये थोड़ा सा आवाज की इसकी प्रॉब्लम है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आवाज के लिए मैं एक सिस्टम इसका लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, मेरे पास जो वो ट्राइपॉड जो हम लिया था यार, ये ट्राइपॉड मैंने ऐसे ही फालतू में ले लिया। एक्चुअली में इस ट्राइपॉड की मुझे जरूरत सिर्फ इसके लिए थी, तो मुझे सिर्फ ये ले लेना था एक होल्डर। तो ये होल्डर आज मैंने देखा है नेट पे 200 रुपये का है, और उस होल्डर का बेनिफिट क्या है कि उस होल्डर के ऊपर जो है, हम यहाँ पे जो है हमारा हमारे पास जो क्या बोलते हैं उसको, माइक जो है, कौन सा है वो, बोया का जो माइक है, वो माइक जो है हम फोन पे लगाकर जो है वीडियो शूट कर पाएंगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं वो भी अभी बाय करूंगा और उससे हम कर पाएंगे। अभी क्या है, सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी। तो क्या मैं अभी रेडिस और ओनियन सीड्स लगा सकता हूँ? हाँ भाई लगा दो, अभी सीजन है, जल्दी जल्दी लगा दो जो लगाना है। मैंने तो लगा रखी है, आपने वीडियो अगर देखा हो तो। स्मार्ट एजुकेशन कैलाश पटेल, हाय कैसे हो भाई। मैं अभी तो अच्छा हूँ, बस पीसी मेरा अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको वीडियो लेट मिल रही है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे ममल बोनसाई चैनल पे भी जो है मैं लाइव जाऊँ, कल संडे है, कल लाइव जाते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी शायद मैं कल वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। मेरी जो हार्ड डिस्क है, आई थिंक उन्होंने जो है 27 तारीख का डेट दिया हुआ है। पहले तो उन्होंने 2 तारीख का डेट दिया हुआ था, फिर मैंने क्या, मेरे अकाउंट की बजाय मेरे एक कजन है उनके फोन से मैंने किया, तो उनका पे जो टाइम ज्यादा दिखा कम दिखाया था 27 को। तो 27 को जब हार्ड डिस्क आएगी तब से काम अच्छे से स्टार्ट करूंगा, और उसके कुछ टाइम बाद जो है दिवाली तक जो है लैपटॉप भी आ जाएगा। हाँ भाई बहुत खर्चा है, और अभी तो आपको पता है जिम स्टार्ट किया है, तो जिम में भी काफी टाइम जो है जिम के काम में चल जाता है। जिम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि जिम स्टार्ट किया कुछ नहीं है, सुबह वर्कआउट किया खत्म, लेकिन ये अगर आप प्रॉपर ढंग से करते हैं तो इसके भी काम काफी बढ़ जाते हैं। जैसे जिम जाते हैं तो आकर उसका जो जिम से आकर खाना, फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर खाना, फिर खाना, यानी कि पूरा दिन खाने पर ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इस बार थोड़ा सा सेहत पर ध्यान देते हैं, काफी टाइम हो गया। टाइटेनियम आर्मी शॉर्ट्स, हेलो टाइटेनियम आर्मी शॉर्ट्स भाई, आपका नाम तो मुझे पता नहीं। सूरजमुखी लगा दे क्या भाई? सूरजमुखी तो फरवरी के अंदर लगेगा, अभी मत लगाइएगा क्योंकि वो गर्मियों का है। मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। यार मनी प्लांट की ग्रोथ तो इस टाइम पे अच्छे से होनी चाहिए, आपको पीछे पता नहीं दिख रहा ही नहीं, यहाँ पे ये प्लांट आपको दिख रहा है, ये देखिए सिर्फ मैंने एक बोतल के अंदर लगा रखा है, अब मैं उठाऊंगा तो ये टूट जाएगा क्योंकि मैंने बोतल के अंदर लगाया था, एक बोतल और है यहाँ पे। अभी तो सिर्फ इस तरह से पानी में भी रखेंगे तो भी अच्छे से प्लांट जो है ग्रो करेंगे, और इनकी रूट्स बहुत जल्दी से ग्रो करती है। मैंने एक ट्रिक और देखी है इन प्लांट की, कि आप मनी प्लांट की कटिंग लगाइए और इसको जो है एक, जैसे कि इसकी जो यहाँ पे देखिए एरियल रूट्स आपको दिख रही है,
इस रूट को जो है अगर आपके पास मोस्टिक है उस पर टच कर दीजिए तो क्या हुआ, ये यहाँ से जो है अब्जॉर्ब कर लेगी पानी से न्यूट्रंस और नीचे जो है नीचे भी, तो ये जल्दी ग्रो करेगी। मैंने जो यहाँ पीछे लगाया है इसमें ऐसा ही हुआ है। ओके, वेव म्यूजिक कहते हैं, मैं जब भी ग्राफ्टेड रोज लगाता हूँ कुछ दिन तो अच्छे ग्रोथ करता है पर बाद में उनकी न्यू ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, क्या करूं, हिमाचल प्रदेश से हूँ भाई। देखिए जो यार आपके वहां पे तो ठंड रहती है, ठंड में तो गुलाब अच्छे से ग्रो करते हैं, तो आप एक चीज चेक करना कहीं वहां पे फंगस की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फंगस की वजह से जो मोस्टली हमारे गुलाब के प्लांट है वो खराब होते हैं, और इंग्लिश गुलाब की जो एज है वो हमारे देसी गुलाब से कम होती है। तो आप फंगिसाइड जो है वो रेगुलर यूज क्या करें, यानी कि 15 से 20 दिन बाद आप हल्का सा स्प्रे उन पे कर सकते हैं। ओके, लहसुए पर वीडियो बनाइए भाई, लहसुए पे तो मैंने वीडियो बनाई हुई। एक्चुअली में क्या, लहसुए पहले यहाँ पे बहुत थे, अभी यहाँ पे लहसुए खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे घर के सामने एक लहसुआ है काफी बड़ा जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, ये आई थिंक 40-50 साल पुराना होगा ये, और अभी भी काफी अच्छी फ्रूटिंग करता है, काफी ज्यादा फ्रूट देता है ये। तो लहसुन के प्लांट पहले काफी लगते थे, अब बहुत कम लगते हैं, और अभी क्या है कोई इतनी मेहनत करके राजी नहीं है। पहले तो पहले क्या है सभी जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, एक पेड़ को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से ग्रो करते थे ताकि बाद में उनसे फल और छाया मिल सके। अभी सब क्या करते हैं, लगा तो देते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं करते तो वो खराब हो जाते हैं। और दोस्तों तो आज क्या है, अभी मैं काफी टाइम बाद इस चैनल पे लाइव आया हूँ, और मैंने जो है पहले पोस्ट डाली भी नहीं थी कि हम लाइव जाएंगे, तो किसी को आई थिंक पता भी नहीं है कि हम लाइव हैं। तो कल जो है हम उस पे हमारे ममल बोनसाई चैनल पे लाइव आएंगे। बस आज का हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी कोई लाइव है नहीं, तो कुछ बातचीत करने के लिए कुछ लोग होते तो ज्यादा अच्छा रहता। गोंदी का प्लांट, बिल्ली आ गई भाई। गोंदी का जो प्लांट है वो पहले था मेरे पास लेकिन मैंने निकाल दिया क्योंकि यार यहाँ पे क्या है कोई उसका यूज तो करता नहीं था, वो वैसे मैंने कटिंग से तैयार किए थे भाई। वीडियो बनाते बनाते वीडियो बनाने क्यों, सुनील भाई मैंने बताया था आपको कि अभी जो है 4-5 दिन से मेरा जो कंप्यूटर है वो खराब है, तो वीडियो मैं बना रखी है लेकिन उसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी 2-3 दिन और लगेंगे, मेरी जो SSD आ जाएगी तो कंप्यूटर ठीक हो जाएगा, फिर हम चलाएंगे, फिर वीडियो आपको जल्दी जल्दी मैं डाल के शेयर करूंगा। और लैपटॉप आ जाएगा तब और भी मज़ा आएगा, क्योंकि लैपटॉप पे जो है गोप्रो की जो एडिटिंग है वो करनी आसान है, क्योंकि PC पे तो गोप्रो की जो एडिटिंग है वो नहीं हो पाती। ओके, टाइटेनियम आर्मी रुको बात कर रहा हूँ। हाँ भाई बता क्या बात करनी है आपको। अच्छा, क्या आपने हेयर बैंड नहीं लगाया? हाँ आज हेयर बैंड नहीं लगाया। एक्चुअली में क्या, मैं एक बार तो जरूर लगाता हूँ, जब मैं नहाकर आता हूँ तो गीले बालों में एक बार हेयर बैंड लगा लेता हूँ तो बाल थोड़े से ठीक हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। पहले की बात करूँ भाई, पहले की बात आप कितने पहले कर, लास्ट ईयर तो आपको पता होगा शायद हमारा जो चैनल है वो हैक हो गया था, जो गार्डनिंग वाला चैनल है वो, और इस चैनल की बात कर रहे हैं तो इस चैनल पे हाँ बीच में वीडियो मैंने नहीं बनाए थे, उसका रीजन ये था कि हमने एक वेबसाइट बनाई थी mammalbonsai.in जिस पर हमने सेलिंग का काम स्टार्ट किया था, तो उस पर काफी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था और मैं उसमें काफी बिजी हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। अभी क्या है, मैंने जो वेबसाइट है उसको सिर्फ मेरे मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और प्रोडक्ट दिखा रखे हैं, तो किसी को अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके जो है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैं वेबसाइट पे अभी मैंने सेल बंद कर दी है। उसमें एक चक्कर और था यार, GST वगैरह का जो रिटर्न भरने का काम है वो सारा काफी काम हो गया था, तो मैं अकेला उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था। और क्या बड़े सिटी में रहते हैं तो क्या ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो आपके इन कामों को संभाल ले, लेकिन मैं विलेज से हूँ तो यहाँ पे कोई संभालने वाला ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या अभी वेबसाइट पे जो सेलिंग बंद कर दी है सिर्फ व्हाट्सएप पे सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। GST रिटर्न भरने का भी मैं सोच रहा हूँ, खुद देख लेंगे कि कैसे भरनी होती है, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मैंने GST भरने के लिए जिस बंदे को कहा था कि GST भर दिया करो, उसने क्या क्या यार जो GST है मेरा वो भरा नहीं, और
1000 रुपए के लगभग जो है उसकी पेनल्टी लगती गई। वो तो एक दिन जो है मुझे किसी ने बताया, मेरे एक भांजा है वो भी जीएसटी रिटर्न भरता था, तो उसने कहा कि आपका वो चेक करते हैं। तो हमने जब चेक किया तब पता चला कि वो रिटर्न नहीं भरा था, इसलिए फिर मैंने क्लोज कर दिए बिल वगैरह भरना। तो अभी करेंगे दोबारा स्टार्ट, और मैंने तो अमेजोन पे भी शुरू करने की सोची थी कि अमेजोन पे भी हम स्टार्ट करेंगे सेलिंग का काम। लेकिन यार एक चक्कर है कि सेलिंग काम स्टार्ट करने के बाद गया फिर बंदा उसमें वो हो जाते हैं। मैं तो पता ओके वे मस्त मस्ती करो भाई। मैं पता है क्या सोच रहा था, वे म्यूजिक, मैं ये सोच रहा था कि एक दिन हम लाइव आएंगे और उसमें जो है हम अपने अपने जो भूतों की स्टोरी है, जो रियल स्टोरी है, आपने भूत देखे हैं या नहीं देखे हैं, उस पर हम एक दिन लाइव आएंगे, फिर मजा आएगा। फिर आप सब अपने अपने भूत की स्टोरी बताना कि आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कभी भूत देखा हो या कुछ ऐसी स्टोरी रियल की, क्यों मेरे पास ऐसी बहुत है, क्योंकि गाँव में आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। तो मैं सोचता था मैं मेरी शेयर करूंगा स्टोरी और आप अपनी शेयर करना। ओके टाइटन ने मारे में कहते हैं भाई विलेज कौन सा है भाई, विलेज अपना है एक्चुअली में क्या, विलेज ये सिटी है एक महेंद्रगढ़, छोटी सी सिटी है इसलिए शायद आपको नहीं पता हो, ये हरियाणा में है। और इसी के शहर से थोड़ा सा निकलते ही जो है अपना एक छोटा सा, यानी कि मेरे यहाँ पे जितने भी घर है ये मेरे दादाजी जो 5 भाई थे उनके हैं सारे मोस्टली घर, यानी कि एक दो घर अलग है बाकी सारे हमारे ही जो फैमिली के सारे हैं। तो ये एक मोहल्ला आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले टाइप में ये सारे घर हैं, एक ढाणी सी है शहर से निकलते ही है, सलीमाबाद करके नाम है इनका। भाई आपकी भाषा बोल के दिखाओ। मारे यार मारी भाषा ऐसी है जैसे देसी भाषा ना हो उतरा बोला अगर हम तो वह तो तारा समझ में ना होगी, मैं ज्यादातर हिंदी में बात करा करूं। हमारी भाषा ऐसी है कि प्योर हरियाणवी को नहीं और प्योर हिंदी भी को नहीं, मिक्स जो है ना अपनी वो भाषा है। मैं वीडियो बनाऊं जब बोल ना जाए और वैसे मैं बोल लेता हूँ तो बस यही है। कल कैसे सेम, कल किस समय पर आओगे ममता देवी? हाँ जी ममता जी 1 बजे ही हम जो है कल भी लाइव आएंगे, कल संडे है तो कल 1 बजे दोपहर में हम लाइव आएंगे, लेकिन हमारे ममल बोनसाई चैनल पे। यहाँ पे अभी क्या लोगों को कम पता है तो पता नहीं चलता, अब आप में भी 4-5 लोग आए थे, लाइक सिर्फ 1 मिला है। लाइक करने से क्या होता है, एक तो यूट्यूब को ये लगता है कि वीडियो यार अच्छा जा रहा है, तो वो क्या दूसरों को भी दिखाता है कि यार ये बंदा लाइव आया है जल्दी जाओ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइक जरूर किया करो। और ऐसे ही आप कोई वीडियो हम पोस्ट करते हैं उसको अगर आप लाइक करते हो तो जितने ज्यादा लाइक होंगे यूट्यूब समझ जाएगा कि यार इस वीडियो में कुछ ना कुछ है, तो वो सबको दिखाएगा। ओके प्रीवियस इयर्स के सेड विंटर प्लांट से फिर से ज्यादा फ्लोरिंग कैसे लें? भाई अगर प्लांट खड़ा है तो उसकी आप प्रूनिंग कर दीजिए और नई ग्रोथ आने दीजिए तो अच्छे से ग्रो करेगा। रोज वीडियो बनाया करो भाई टाइम निकाल कर प्लीज। अच्छा आप कौन से चैनल के लिए रोज वीडियो बता रहे हैं पहले मुझे ये बताइए, व्लॉगिंग के लिए या गार्डनिंग वाले? गार्डनिंग वाले पे तो यार पहले ही बहुत सारे वीडियो है, व्लॉगिंग का हम कर सकते हैं, लेकिन व्लॉगिंग में ये है कि मैं देखता हूँ अगर हमारा नया फोन जो आएगा अगर उसका सही रहा वीडियो उससे सही शूट हुआ और मैं उसमें जो कैमरा जो माइक है बोया का वो लगा के देखूंगा, अगर सेटअप ठीक बैठ गया तो मैं फोन का क्या है फोन हमेशा हमारे साथ रहता है तो हर चीज में दिखा पाऊंगा जहां पे भी जाऊंगा। और जो मेरे पास DSLR है उसको क्या व्लॉगिंग में बार बार हर जगह लेके नहीं जा सकता, क्योंकि हम विलेज से हैं तो यहाँ पे क्या है धूल मिट्टी भी काफी उड़ती रहती है, तो ये भी नहीं कि मैं साथ ले जाऊँ उसको कहीं पे रख दूँ, तो उसको क्या है बार बार जो है उठाना थोड़ा मुश्किल है। ओके और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद हम जो है GoPro लेंगे नया, जो मेरे पास है वो पुराना है तो उसके साथ ना तो माइक है ना कुछ और है, तो वो सिर्फ ऐसे ही थोड़ी सी फुटेज लेने के लिए है, कहीं जाते हैं या बाइक वगैरह पे जाते हैं उसके लिए, तो नया GoPro कभी लेंगे तब उससे करेंगे। टाइटेनियम भाई आपकी बात सुन गया मैं, अथर्वा हेलो सर हाउ आर यू, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ अथर्वा, आप सुनाइए काफी टाइम बाद दिखाई दिया आप।
रावी रियान कैसे हैं? रावी रियान बिल्कुल अच्छे हैं। रियान का बर्थडे था आई थिंक आज की तारीख 24, तो रियान का बर्थडे था, मैंने स्टोरी डाली थी, परसों था शायद। ओके, वेवियो म्यूजिक ने लाइक कर दिया। ओके, चार लोगों ने लाइक कर दिया, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आया, शुक्रिया अथर्वा। टाइटेनियम मैं चूरू से हूँ, चूरू तो यार यहीं पे है, महेंद्रगढ़ से आई थिंक चूरू की साइड जो है एक ट्रेन भी जाती है, और जब सालासर वगैरह जाते हैं जब चूरू होके आते हैं हम, मैं सीकर गया तब शायद चूरू होकर गया था। आपको क्या पता है कि आपके ससुर कौन कौन से स्टेट से हैं? देखिए मुझे ये स्टेट से तो जो हमारे यूट्यूब है YouTube बता देता है, ये नहीं बताता कि कौन कौन है, लेकिन ये बता देता है कितने बंदे कौन से स्टेट से हैं, कौन से जगह से कितने बंदे, ऐसे भाई इंडिया से कितने हैं, स्टेट का तो शायद नहीं दिखाता वहां पे, लेकिन ये दिखा देता है इंडिया से कितने हैं, बाहर से कितने हैं, ऐसे करके। और जो सब्सक्राइबर क्या ज्यादा लाइक करता है वीडियो को, उनको वो क्या है एक अलग तरह से दिखाता है कि ये जो आपका सब्सक्राइबर है ये आपको रेगुलर वॉच करता है और आपके वीडियोस को लाइक करता है, तो यूट्यूब ऐसे को एक बैच दे देता है साइड में। अरे चिड़िया बहुत आवाज कर रही है, इसको भगाने दो पहले, तो कितनी आवाज कर रही है, जा नहीं रही, ये इसलिए आती है जब मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्ली होगी, बिल्ली या सांप इसको जब दिख जाता है तब ऐसे ही करती है ये। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे सब्सक्राइबर का, तो आप अगर एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते रहते हैं, तो आप के टॉप में आ जाते हैं यूट्यूब। मुझे आपको नहीं पता चला, लेकिन मुझे जो है यूट्यूब ऐसे दिखाता है कि ये बंदा जो है आपके वीडियो को ज़्यादातर लाइक करता है और रेगुलर बना रहते हैं, तो इसलिए मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन वीडियो को अच्छे से देखता है। महेंद्रगढ़ को एक्सप्लोर करो, सुनील देसवाल भाई, महेंद्रगढ़ के ऊपर वैसे तो मैंने एक दो वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन चक्कर क्या है अपने यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इस तरह का जो इस तरह के लोग हैं, अगर कैमरा लेके हम निकल जाएंगे मार्केट में तो वो ये सोचेंगे पता नहीं किस चीज की वीडियो बना रहा है, कुछ तो ऐसे सोचेंगे। कोई एक बार मैंने बताया था, मैंने एक बेकरी की वीडियो बनाई थी जहाँ पे बर्गर वगैरह की जो पाव वगैरह बनते हैं उसकी, तो मैं उस पर गया जब कैमरा लेके, तो मेरे पास DSLR था, तो वो बंदा डर गया, सोचा कोई जो छापा छुपा मारने वाले आते हैं ना दिवाली के पास में, तो सोचा वो आ गए, तो वो अंदर चला गया मालिक, तो खुद फिर उसका बंदा निकल के बाहर आया जो काम करता था। मैंने कहा यार मैं तो किसी वीडियो बनाना है, बोले यार हम डर गए कि कहीं कोई चेकिंग करने वाले आ गए। वे म्यूजिक आपकी शादी हो गई क्या? अरे भाई कहाँ सो रहे हो आप, शादी नहीं हुई अभी। रावी रियान दो दो बच्चे रहे। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हाँ हिमाचल प्रदेश यार काफी अच्छी जगह है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं हिमाचल प्रदेश एक बार बाइक पर जरूर जाऊँ, हो सकता है कभी ना कभी ये मैं करूँगा जब थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं क्या यार मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है जो कि शायद 2021 में सॉल्व हो जाएगी, 21 नहीं 21 तो अब है, 22 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो 23 से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, तो 23 के बाद मैं बजट बनाऊंगा और फिर उसके बाद जो है घूमने फिरने पर जो है व्लॉगिंग का जो है वो अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अथर्वा जी महाराष्ट्र से, हाँ जी आप तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का क्या हाल है, मौसम कैसा है? यहाँ पे जो है हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, सुबह मैं जिम जाता हूँ 5 बजे, 5 बजे जिम जाता हूँ तो इतनी ठंड रहती है यहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी कि जैसे कि एक टी शर्ट पहननी पड़ती है, ऊपर से एक गर्म जैकेट पहननी पड़ती है और ग्लव्स वगैरह लगा के फिर जाना पड़ता है। और दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिम के अंदर जिम से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया करूंगा, ताकि जिम में बॉडी को कहते हैं ना जैसे कि अभी हमारी बॉडी कैसी है फिर 3 महीने बाद कैसी होगी वो चीज के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मैं वीडियो मेरे शूट करके फिर आपको जो पूरा जो है 3 महीने का वो दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने बॉडी को चेंज किया। ओके, कभी आओ हिमाचल प्रदेश मंडी सिटी में, हाँ जी वहां पे आएंगे तो जरूर मिलेंगे आपसे आप, लेकिन कनेक्ट में रहेंगे तभी आपसे मिलना होगा। अभी देखिए इतने दिन बाद मैं लाइव आया हूँ तो आपसे मिलना हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे कम से कम जुड़े रहेंगे तो क्या है इंस्टाग्राम पे तो डेली स्टोरी वगैरह डालते रहते हैं, तो वहां पे कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब मान लो मैं कभी हिमाचल आऊंगा तो मुझे पता नहीं आपसे कैसे टच में आना है, अगर आप इंस्टाग्राम पे रहोगे तो मैं वहां पे आपको स्टोरी में डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा।
ओके वीवो म्यूजिक क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम कुछ नहीं यार, एक जो शॉप है वो लिया था तो उसकी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, वो क्लियर करना है। उसका एक तरह का लोन है, आप ये समझ सकते हो कि लोन है वो जब क्लियर होगा तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। अभी तो थोड़ा सा बस 1 साल और लगेगा, 2022 में क्लियर होगा। अथर्व बाबा और कहते हैं हमारे यहाँ थोड़ी ठंड होती है सुबह और रात को। हाँ इतना ही यहाँ पे होता है, वैसे भी महाराष्ट्र में इतने ठंड या गर्मी कहते हैं मौसम वहाँ पे लगभग सेम सा रहता है, लेकिन मेरे यहाँ पे काफी तेज ठंड होती है। अभी क्या है, रात जब स्टार्ट होगी शाम के बाद हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होगी और मॉर्निंग तक तो अच्छी ठंड रहती है, फिर दिन में कम ठंड होती है, लेकिन जब जैसे जैसे अब दिन निकलते जाएंगे ठंड तेज होती जाएगी। सुनील जैसा कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी, भाई इंस्टाग्राम आईडी हमारी मम्मल बोनसा ही है, आप उसको ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं जो है डेली की स्टोरी जो रील्स वगैरह वो डालता रहता हूँ, और वहां पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम तो सब बंदे जो है चेक करते रहते हैं इस वजह से। तो ये सीन है। और अभी जिम का, और मैं सोच रहा था कि जिम का जो है थोड़ा सा एक दो वीडियो हम जिम पर बनाएंगे, क्योंकि जिम के जो बेनिफिट है मैंने आपको बताया भी था शायद लास्ट वीडियो में कि मैं जिम जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें सिर्फ बॉडी बनानी है, मैं क्या अपने पेड़ पौधों के काम में और इसने काम में इतना उलझ गया था कि मैं अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। काफी लोगों ने मुझे वीडियो में भी कहा कि सर आप बहुत कमजोर हो गए हैं पहले से, तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा सेहत पर ध्यान देते हैं इस वजह से, क्योंकि जिम जाते हैं तो क्या एक तो सारी चीजें जो टाइम टू टाइम खाई जाती है, फास्ट फूड मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है, सारी चीजें जो जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो सारी मैंने बंद कर दी है। अब हेल्थी फूड लेते हैं जैसे कि दलिया खा लिया मॉर्निंग में दूध के लिए, फिर अंकुरित अनाज खा लिया, खाना सलाद वगैरह ये ऐसी चीजें खाता हूँ, तो उससे क्या है सेहत काफी अच्छी होगी। अथर्ववेदी कहते हैं गुलदाउदी कैसी है आपके अभी? अभी यार प्लांट हेलीकॉप्टर जा रहा है उधर, आपको आवाज पता नहीं सुनाई दे रही? नहीं आज कोई आया होगा जो महेंद्रगढ़ में कोई आता है, तो हेलीकॉप्टर जो है मोस्टली हमारे इधर से ही जाता है, क्योंकि इस साइड दिल्ली है तो दिल्ली से ही मोस्टली जो है आते हैं तो इधर जाते हैं। एक गुलदावरी जो है मेरी, मैंने लास्ट एक वीडियो में दिखाई थी, आप ममल बोन साइड पे जाके देखना, जो मैंने कटिंग की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने दिखाई थी, मैंने क्या उस साइड लगा रखी है। यहाँ पे पोर्ट में भी है एक दो प्लांट, और मेरे पास यार प्लांट तो मैं बहुत सारे तैयार कर देता हूँ लेकिन फिर उनकी संभाल नहीं हो पाती, जैसे कि मैंने अभी जो जो बीज है सर्दियों के वो सारे बीज लगा रखे हैं, जो पॉट में लगाए थे वो भी यहाँ पे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे क्यारियों में लगा रखे हैं, सारे अच्छे से ग्रो कर गए। ओके आज हमारी गौशाला में सांप निकला था, आपके उधर भी निकलता है क्या? अरे भाई सांप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा निकलते हैं, मैं खुद जो है आई थिंक इस बार जो है लास्ट 2 या 3 महीने पहले जो है मैं 3 से 4 सांप जो है मैं खुद पकड़कर जंगल में छोड़ के आया हूँ। मेरे यहाँ पे तो हर साल जो है गर्मियों में सांप बहुत निकलते हैं, हर तरह के सांप निकलते हैं, छोटे बड़े, जो कोबरा सांप है वो भी, और मैंने आई थिंक इस पे एक दो व्लॉग भी वीडियो भी डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लीजिएगा। सांप से तो यहाँ पे मिलना जुलना रहता ही हमारा, हमारे यहाँ अभी भी एक सांप दिखा। हाँ लेकिन ये कुछ दिन दिखेंगे, अभी के जैसे ही ठंड होगी। मेरे यहाँ पे एक कहावत है कि जो सांप है वो दिवाली के दिए का जो तेल है वो पीकर अंदर चले जाते हैं, फिर नहीं निकलते, फिर वो निकलेंगे जो होली है, होली की जो जाली यानी कि जो धुआं होती है उसको देखकर बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन जो है वो ये होता है कि जो ठंड है वो क्या, सांप जो है सांप की स्किन बिल्कुल पतली होती है, आप देखना ठंड में कोई भी छोटे इंसेक्ट है वो बाहर नहीं आते, तो इंसेक्ट बाहर नहीं आते। ऐसे सांप जो है ठंड में आप देखना वो अंदर चले जाते हैं बाहर नहीं आते, छोटे छोटे इंसेक्ट जो क्या बोलते हैं इसको चींटियां वगैरह जो होती है वो भी बाहर नहीं आती, सारी जो अंदर चली जाती है। और वो क्या करती है इससे पहले सीजन में क्या करती है, जब सीजन दूसरा सीजन होता है यानी कि अभी बारिश सीजन हुआ या पहले गर्मियों सीजन है, उस टाइम पे वो क्या है अपना जो दाना है चींटियां वो सारा अपने बिल में ले जाकर इकट्ठा कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और उसके बाद जब ठंड पड़ती है तब वो बाहर नहीं आती, सिर्फ वहीं पे खाती है। मेरी कैट यहाँ पे थी, गई सफेद रंग की, वो आ गई, अभी आपको दिखाता हूँ देखना इस साइड। रियान आपको कैट दिख रही होगी वहां पे, म्याऊं
आ जा ये आ गई, देखो रियान हाय करके जाऊं। इधर आओ, इधर आए, आ जा। म्याऊं, म्याऊं। रियान से डर रही है, रियान हाय करो। कैसे हो सब? चलो नीचे जाओ बेटा, नीचे जाओ, आराम से जाना। एको घर को ना, रियान कह रहा है कि इसका घर कहाँ है। एको घर बेटा, या उधर जित मर्जी जगह मिले ना उधर सो जाग रहे हैं। अब नीचे जाओ, आप जाओ, ये पीछे से जाएगी, पीछे से चली जाएगी। आप नीचे जाओ, अब जल्दी जाओ 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 जाओ। म्याऊं इधर आ, म्याऊं 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 म्याऊं। ओके दोस्तों, तो ओके, क्या मुझे डॉग पालना चाहिए? हमारे घर गांव में है तो क्या कर रहे हैं बेटा? मिनट, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप नीचे जाओ, ठीक है? देखिए, डॉग पालना चाहते पाल सकते हो, गांवों में भी सब पालते हैं, क्योंकि जो जो पशु होते हैं वो खेती खराब करते हैं। इस वजह से मोस्टली मैंने देखा सब किसान जो है एक डॉग जरूर पालते हैं, ताकि खेत में जो है इस तरह के आवारा पशु जो है वो ना आ सके। और आप, आपको शौक है तो भी आप कर सकते हैं। आई लाइक हरियाणवी लैंग्वेज। हाँ, हरियाणवी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी कड़क है ये। मेरे यहाँ पे तो इतनी हरियाणवी नहीं बोलते, लेकिन जो रोहतक साइड है, जींद साइड आप जाएंगे तो वहां तो कहते हैं ना, जो लठमार वासे होती है वैसे बोलते हैं। क्यों करना से तन की लेना से, वो ऐसे बोलते हैं। वो एक जोक था, एक बंदा कोई बाहर से आया, तो वो जैसे ट्रेन से उतरने लगा, तो वो अपना बैग पकड़ाने के लिए एक बंदे से बोला, हरियाणवी से बोला, सर एक मतलब भाई साहब एक तकलीफ दे सकता हूँ? तो बोला, देख कर दिखा, तेरा नासा ना फोड़ दूं। यानी कि वो उसको कहना चाहता है कि मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ, एक बार ये बैग पकड़ के नीचे रख दीजिए। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। राजस्थान की भी लैंग्वेज काफी अच्छी है, राजस्थान की लैंग्वेज थोड़ी सी मीठी है। इंडियन डॉग ब्रीड बेस्ट है। हाँ, मेरे यहाँ पे जितने भी डॉग्स है वो देसी है, सारे देसी डॉग्स हैं, कोई ऐसे बाहर के हम नहीं लेके आते, अपने आप आ जाते हैं। और हम तो पालते नहीं यार, यहाँ पे क्या है, जो आवा जो कहते हैं स्ट्रीट डॉग होते हैं बाहर जो घूमते हैं, वो ही आते हैं। तो वो क्या आते हैं, जब सुबह शाम आते हैं तो हम उनको रोटियां डाल देते हैं, बस वो उसी से क्या खुश रहते हैं बेचारे। और सारा दिन बाहर बैठ के रखवाली करते हैं, रात को कोई जानवर वगैरह या किसी बाहर के बंदे को आने नहीं देते। मुझे जैपनीज लैंग्वेज पसंद है। अच्छा भाई, अच्छी बात है, मुझे तो समझ नहीं आती भाई। ओके दोस्तों, तो आधे घंटे से ज्यादा हो गया यार, देखिए कितने कम हम दो तीन बंदे ही हैं, फिर भी काफी टाइम तक बात कर दी। अभी रियान मुझे परेशान करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। चलो रियान, नीचे चलते हैं। अभी क्या है, मैं थोड़ी देर पहले रियान को स्कूल से लेके आया हूँ, स्कूल इनका पीछे ही है, तो मैं खुद ही जाकर ले आता हूँ बाइक पे, 2 मिनट लगती है। इनके स्कूल का व्लॉग मैंने बनाया था, हिमाचल प्रदेश में अभी भी हेलीकॉप्टर गया है हमारे घर के ऊपर से, इतनी जल्दी वहां पहुंच गया। हाँ, शायद वो ही था, हिमाचल से यहाँ पे आने में ज्यादा देर नहीं लगाई उसने। यार, हिमाचल प्रदेश में सेब के प्लांट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। एक साथी गया था, तो वो किसी के घर गया हुआ, उनके वहां पे सेब के बड़े बड़े ट्री थे, सेब लगे हुए थे वहां पे। यार रियल में देखने में कितना मजा आता हुआ है ना। आएंगे कभी हिमाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, बाकी अब हम कल मिलेंगे हमारे ममल बोनसाई चैनल पे लाइव, और होप जल्दी हम इस पे जो है व्लॉग जो है जल्दी से जल्दी डालना स्टार्ट करेंगे। और दिवाली पे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं डालूंगा, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं टोटली। और मैं कोशिश करता हूँ कि रॉ फुटेज जो है वो डालूं। रॉ फुटेज का मतलब होता है कि जैसे कि जो घर में, जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ ऐसे कि ऐसे ही डाल दे, बिना बगैर ज्यादा एडिटिंग नहीं करिए, तो वो ठीक रहते हैं। ओके बाय। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिए। शुक्रिया। हाँ रे, हम क्या कह रहे थे बेटा?